आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविदा शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा के लिए अंतरिक्ष विज्ञान से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। पहला क्वेश्चन है अंतरिक्ष विज्ञान का, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, किस देश की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है? आंसर अमेरिका। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है बेंगलोर। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। विश्व के कुल कितने देशों के पास अंतरिक्ष से संबंधित एडवांस्ड तकनीक है? आंसर है 6। विश्व के 6 देशों के पास अंतरिक्ष से संबंधित एडवांस्ड तकनीक है। अगला क्वेश्चन है, किस अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया? आंसर एलन शेफर्ड। एलन शेफर्ड अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष के साथ चंद्रमा पर भी भ्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई? आंसर है व्लादिमीर कोमारेव। व्लादिमीर कोमारेव अंतरिक्ष यात्री की पहली बार अंतरिक्ष अभियान के दौरान मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ? आंसर है कल्पना चावला। कल्पना चावला ने कहा था मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेट्स वन स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन वन ज्वाइंट लीप फॉर मैन काइंड किसने कहा? आंसर है नील आर्मस्ट्रांग। डेट्स वन स्मॉल स्टेप ऑफ ए मैन वन ज्वाइंट लीप फॉर मैन काइंड नील आर्मस्ट्रांग ने कहा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राकेश शर्मा किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा पर गए? आंसर वर्ष 1984। भारत के राकेश शर्मा वर्ष 1984 को अंतरिक्ष यात्रा पर गए। भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? आंसर वर्ष 1972। भारत में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना वर्ष 1972 को की गई। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह है? आंसर आर्यभट्ट। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत में निर्मित तथा स्वदेशी यान से प्रक्षेपित पहला कृत्रिम उपग्रह है? आंसर रोहिणी। भारत में निर्मित तथा स्वदेशी यान से प्रक्षेपित पहला कृत्रिम उपग्रह रोहिणी है।